लड़कियों की चॉइस अपने पार्टनर को लेकर डिफरेंट हो सकती है। कोई लड़कियां अपने पार्टनर को उसके लुक्स को देखकर पसंद करती है, तो बहुत सारी लड़कियां उसके पैसे और उसकी हैसियत को देखकर। बहुत सारी लड़कियां अमीर लड़कों पे मर जाती है। तो बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, लेकिन बेसिकली देखा गया है कि लड़कियां पैसे वाले लड़कों पे ज्यादा अट्रैक्ट होती है, बट अट्रैक्ट होती है। इट नॉट मीन्स कि वो हमेशा उस रिलेशनशिप में रहेगी, वो उससे फायदे के लिए अटैच होती है, फिर डिटैच भी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने फ्यूचर हस्बैंड के तौर पर बहुत सारी डीप एनालिसिस करती हैं, क्वालिटीज को देखती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उसका जो रिलेशनशिप हो जो हमेशा चले, यानी उसका हस्बैंड हो वो कुछ स्पेशल ऐसी क्वालिटी हो जो सबसे हटकर हो, और वो उसका साथ ज़रूर दे, वो हमेशा पैसे देख के प्यार नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि सारी क्वालिटी आप में हो, लेकिन अगर एक दो क्वालिटी भी है तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में ज़रूर रहेगी और आप एक अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो देखती है वो देखती है कि आपका बॉडी अपीयरेंस कैसा है, क्या आप अट्रैक्टिव हो, क्योंकि सबसे पहले चीज़ तो आपकी बॉडी ही नज़र आती है ना, उसके बाद कुछ और चीज़ें दिखती हैं। तो आपकी बॉडी किस तरीके से है, आप खुद को किस तरीके से रखते हो, क्या आप उन कैसे ड्रेसअप होते हो, क्या आप छपरियों की तरह ड्रेसअप होते हो या एक जेंटलमैन की तरह तैयार होते हो। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर सबसे पहली चीज होती है जो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कोई आपकी डिग्री नहीं देखेगी, आपका जो बिहेवियर है वो आपके बारे और आपकी फैमिली की पूरे बैकग्राउंड को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है आपका बिहेवियर। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और आप उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, स्पेशली किसी लड़की से, तो वो इम्प्रेशन जो होता है ना वो 70% आपका काम कर देता है। किसी के दिल में जगह बनाना है तो अपनी बातों से जगह बनाइए। नेक्स्ट जो चीज है जो लड़कियां हमेशा से नोटिस करती हैं और चाहती हैं कि उसके बंदे में ये क्वालिटी हो, कि आप लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हो, क्या आप उसे सिर्फ जरूरत की चीजें समझते हो, यूज एंड थ्रो मटेरियल समझते हो, या फिर उसे अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस देते हो। सलाह लेने वाले, अगर कोई बंदा किसी लड़की से सलाह लेता है या सजेशन मांगता है, उसकी सजेशन को इम्पोर्टेंस देता है, तो लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि फ्यूचर हस्बैंड वो उसी को बनाती है जिसका डिसीजन मेकिंग में वो सपोर्ट ले, जो अपने लाइफ के डिसीजन उसको बता के या पूछ के करता हो, उसका सपोर्ट लेता हो और उसे इम्पोर्टेंस देता हो। नेक्स्ट जो क्वालिटी है जो लड़कियां ढूंढती है वो है कि हर एक लड़की से जो चिपकता ना हो, इट मीन्स सभी लड़कियों पे इंटरेस्ट ना लेना। चाहे कोई कितनी भी खूबसूरत लड़की है, अगर वो अपनी बॉडी से आपको अट्रैक्ट करना चाहती है और आप अट्रैक्ट नहीं होते, बहुत सिलेक्टिव और अच्छी लड़कियों से बात करते हो, तो लड़कियां जो है काफी अट्रैक्ट होती है। यही क्वालिटी वो चाहती है किसी बंदे पे, कि वो हर किसी लड़की से चिपके ना। नेक्स्ट है कि चुप रहने वाले लड़के, यानी कि गुमसुम नहीं रहना बट बहुत ज्यादा बातूनी भी ना हो। हर समय चपड़ चपड़ बोलने वाले लड़के बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। लड़कों को लगता है कि लड़कियों के सामने ज्यादा बोलेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, बट होता इसका उल्टा है। उल्टा इसलिए क्योंकि लड़कियां खुद ज्यादा बोलती हैं, अब वो ज्यादा बोलने वाले बंदों को बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं करती। आप ही देखते हो कि एक मेच्योरिटी वाला जो लड़का है, जो खुद को मेच्योर शो करता है, वो थोड़ा कम बोलता है और बोलता बहुत ही कम है, और उसकी हर एक बातों को लोग गौर से सुनते भी हैं। ये एक साइकोलॉजी है कि कम बोलने वाले लड़के और ज्यादा मेच्योरिटी शो करने वाले लड़कों की बातों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसे रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। लड़कियां भी इसे क्वालिटी को समझती हैं और चाहती हैं कि जो बंदा है मेरा हस्बैंड हो या मेरा बॉयफ्रेंड हो, वो कुछ ऐसे ही क्वालिटी वाला हो, पॉजिटिव बातें करने वाला, स्माइली फेस वाला। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, स्माइल करते हो, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हमेशा इतना सीरियस रहने का नहीं, इतना सीरियस नहीं रहा जाता। अगर आप ज़्यादा सीरियस रहोगे तो लड़के आपसे खुलकर बात नहीं करते। वैसे लड़कियों को ओपनली बात करने वाले लड़के काफ़ी पसंद हैं। ऐसा नहीं वो जी और आप में ही अटक जाओ, जी और आप नहीं, थोड़ा तुम करके भी बात करो। जितना क्लोजनेस दिखाओगे हर टॉपिक पे, जितना ईजिली और खुलकर बात करोगे, उतना आपकी मेच्योरिटी उस लड़की तक समझ में आएगी। लड़की अगर आपकी मेच्योरिटी को समझेगी तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और रिस्पेक्ट जब वो करेगी तो
आपके चांसेस ज्यादा हैं रिश्ते में आने की और एक अच्छा रिश्ता बनाने की। क्या आप सेटल हैं? अगर आप सेटल हैं तो लड़की आपसे ज्यादा जल्दी कांटेक्ट में आएगी। अगर आप खुद ही इम्बैलेंस हो, खुद ही सेटल नहीं हो, आपके फ्यूचर का कुछ प्लानिंग ही नहीं है, कुछ डिसाइड ही नहीं है, सिर्फ आप घूमते फिरते रहते हो, तो चांसेस कम है कि वो आपके कॉन्टेक्ट में रहेगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए कॉन्टेक्ट में आएगी बट हमेशा नहीं रहेगी। वैसे लड़के जो आजादी देते हैं रोकते टोकते कम हैं और केयर ज्यादा करते हैं। रोकना टोकना अलग बात होती है और किसी पे प्रेशर बनाना कि ये चीज मत करो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है। कंडीशन मत रखो, थोड़ी सी आजादी दो, क्योंकि लड़कियों को आजादी बहुत कम मिलती है। वो चाहती है कि जो बंदा मेरा हस्बैंड हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, मेरा पार्टनर हो ना, वो मुझे थोड़ी सी तो फ्रीडम दे, मुझे समझे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग प्लीज क्रिएट करे, सुनने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करना। सुनी सुनाई बातों पे जो बंदे भरोसा करते हैं वो कान के कच्चे होते हैं, उन पे लड़कियां भरोसा नहीं करती। अपनी बातों को थोड़ा सीक्रेट भी रखना। लड़के जो सीक्रेट रखते हैं ना अपनी बातों को रिलेशनशिप को, लड़कियां उसे ज्यादा पसंद करती हैं। होप्स हो कि ये सारी एडवाइसेस आपको पसंद आई होगी। इसमें आप में अगर एक दो क्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद को सुधारिए। इंसान एक ऐसा ह्यूमन बीइंग एक ऐसी पावर रखता है अपने अंदर कि वो अपने आप ही कुछ चेंजेस ला सकता है। अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी आदतों में चेंजेस सिर्फ एक इंसान ला सकता है। खुद में चेंजेस लाइए, ये आपके लिए भी अच्छा है और आप सोसाइटी में रहेंगे उसके लिए भी अच्छा, आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा होगा। होप सो कि आप एक अच्छा पार्टनर अपने लाइफ में लाएं और आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। थैंक यू सो मच ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।